got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes. Hello guys, welcome आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज एक और हम प्रोडक्ट लेके आए हैं आप सभी के सामने, बोट के इमॉर्टल 201। काफ़ी हैवी बॉक्स लग रहा है बेसिकली मेरे को, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ खास मिलता है। वैसे ये 1300 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में रियल RGB LEDs मिलती है देखने के लिए, बीस्ट मोड मिलता है, 40 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है, वो भी हम चेक करेंगे, गेमिंग बोर्ड हम चेक करने वाले हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मिलती है। बोट सिग्नेचर साउंड है, साथ ही में ENX टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इंस्टा वेक पेयर टेक्नोलॉजी है, ASAP चार्ज का ऑप्शन मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 और IPX4 की रेटिंग मिल जाती है। तो गाइस इस तरीके की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम कमाल की डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। तो इस तरीके से आपको मिल जाती है, दो सील मिल जाती है, इधर आपको खोल लेनी है यहाँ पे। एंड गाइस एक लाइक तो कर देना है, एक लाइक कर दीजिए ताकि हम इस तरीके की वीडियोस आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहें। तो गाइस यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, सील तो हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया इसकी, और इस तरीके से आपको मेन जो बॉक्स है वो देखने को मिलता है। इसको आपको थोड़ा सा हार्डली प्रेस करना पड़ेगा, देन ओनली निकलेगा यहाँ पे। एंड गाइस ये रहे मेन बर्ड्स इटसेल्फ, हैवी हैं डेफिनेटली। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ बॉक्स में चार्जिंग केबल एंड एक्स्ट्रा ईयरटेस मिलेंगी, आई थिंक हीरा इस बार टाइप सी केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ये बोट का स्टिकर मिल जाता है, ये आपको 1 ईयर की वारंटी है, और ये बोट के अदर प्रोडक्ट्स की रेंज है। साथ ही में यहाँ पे इसकी यूज़र मैनुअल है आई गेस, हाँ कंट्रोल्स। तो गाइस कुछ इशू आते तो यहाँ पे अलग से पैम्पलेट दी गई है, और यहाँ पे ये मेन जो है आपको गाइड मिल जाती है, यूज़र गाइड इसकी, जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन गाइड है। यहाँ पे मेन जो बर्ड्स हैं ये रहे, तो गाइस ओके बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं, देख सकते हो। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, पीछे साइड आपको QR कोड मिल जाता है, इसको आप स्कैन करके इसकी ऑथेंटिसिटी जान सकते हो। एंड गाइस ये रहे बर्ड्स इटसेल्फ, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे लुक आ रहा है। एंड उसी के साथ साथ जो इनकी क्वालिटी है, बर्ड्स की क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, और यहाँ पे मेटल का मैश मिलता है अंदर की साइड, देख सकते हो। उसी के साथ साथ एक एंगल पे टिल्ट किए गए, जिसकी वजह से आपको स्नग फिट मिलने वाला है, काफ़ी लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। यहाँ पे बोर्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको RGB लाइटिंग मिल जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अंदर भी आपको बॉक्स में भी यहाँ पे इधर RGB लाइटिंग मिलती है देखने के लिए। एंड मेन केस में जो RGB लाइटिंग है, ये काफ़ी कमाल की लग रही है, मतलब अगर आप निकालोगे ना मेट्रो में भी, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो सारे लोग देखने वाले हैं, पूछने वाले कौन सा ब्रांड है। तो ये काफ़ी अच्छा है, और बोर्ड का लोगो तो ऊपर ही दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। और गाइस इसकी क्वालिटी जो मेटल फिनिशिंग है और ओवरऑल, ये मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, और हिंज की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो गैस यहाँ पे ये है मेन इटसेल्फ चीज़ें, और गैस यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसके यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा बोट इमॉर्टल 201, और 5 वोल्ट इनपुट रेटिंग है, आउटपुट रेटिंग 160 MA है, 380 mAh कैपेसिटी इसमें यूज़ किया गया है, और मेड इन इंडिया है बेसिकली ये, उसी के साथ साथ असेंबल्ड इन चाइना। तो गाइस चलिए ऊपर का ग्लास मिलता है, नीचे की साइड आपको प्लास्टिक मिल जाता है। इसकी हम साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। तो गाइस आपको सिंपल सा काम करना है, इसको बॉक्स को आपको ओपन कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से। एंड गाइस यहाँ पे आ जाएगा आपका इधर की साइड, इसको सर्च करना है आपको, एक बार आपको बस पेयर करना है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये पेयर हो जाएगा हर बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे देख सकते हो 201, यहाँ पे टैप करना है एंड यहाँ पे पेयर पे कर देना है, दैट्स इट, और यहाँ पे पेयर हो जाएंगे। तो काफ़ी आसान है इसको पेयर करने का, कोई भी एप्लीकेशन नहीं है बेसिकली इसमें आपको जो मिलती है इसमें, ठीक है। और AAC कोडेक सपोर्ट करता है बेसिकली, इस फोन में मेरे में AAC कोडेक नहीं है, वैसे सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गाइस हम फिलहाल साउंड क्वालिटी सुनते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया सॉन्ग, और सुनते हैं यहाँ पे। तो गाइस साउंड क्वालिटी तो काफ़ी ज़बरदस्त लगी मेरे को इसकी डेफिनेटली यहाँ पे, और थोड़ा सा जो अगर बेस है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्श मिलता है इसमें आपको देखने के लिए, बट ओवरऑल सिग्नेचर साउंड काफ़ी अच्छी है बोट की। यहाँ पे टैप करके आप प्ले पॉज कर सकते हो, ये प्ले हो गया, यहाँ पे पॉज कर सकते हो, डबल टैप करके आप साउंड ट्रैक को चेंज कर सकते हो, फिर से डबल टैप करते हो तो साउंड ट्रैक चेंज हो जाता है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे प्ले हो जाता है, किसी भी से आप प्ले कर सकते हो, और टैप एंड होल्ड करके रखोगे आई गेस यहाँ पे आपका जो वॉइस असिस्टेंट ओपन हो जाता है,
यहाँ पे अगर मैं किसी एक बर्ड को टैप एंड होल्ड करके रखता हूँ, ये देखो यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट ओपन हो गया है। अब गाइस गेमिंग मोड के लिए आपको यहाँ पे अलग से ऑप्शन मिल जाता है, दोनों को होल्ड करके रखना है। तो चलिए गेमिंग मोड चेक कर लेते हैं इसका, उससे पहले हम कॉलिंग फैसिलिटीज की चेक कर लेते हैं क्योंकि ENC का सपोर्ट मिलता है, ANC देखने को नहीं मिलता है इसमें आपको। सो गाइस यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब आप कॉल क्वालिटी यहाँ पे अनुमान लगा सकते हो इस तरीके से देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे नॉर्मल होम एनवायरनमेंट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट नॉइजी एनवायरनमेंट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या मतलब गाड़ी वाड़ी चला रहे हो तब तो एक इशू हो सकता है, क्योंकि ANC का सपोर्ट नहीं है, ENC का सपोर्ट मिलता है बोर्ड के इमॉर्टल 201 में आपको। तो गाइस अब थोड़ा सा गेमिंग मोड भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे गेमिंग में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी मेरे को। 1299 रुपए के प्राइस बैग में काफी अच्छी बेटर डील बन जाती है, बेस भी काफी एडिक्वेट अमाउंट में दे रखा है, साउंड क्वालिटी मेरे को वोकल्स भी काफी अच्छी लगे, मतलब 1300 रुपए के हिसाब से मतलब डील अच्छी है, आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा लाइट हो, बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी हैवी है लगते हैं हाथों पे। तो गाइस डेफिनेटली आप इसको ग्रैब कर सकते हो। और गाइस अगर आपका क्वेरी इन बर्ड से रिलेटेड कुछ भी रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं भी मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।